Hey guys, hello and welcome back to the channel. Welcome back to another vlog. और आज finally vlog आ रहा है लेके हम, ठीक है. तो अभी क्या था, हम लोगों ने कुछ प्लान था नहीं संडे का, सिस्टर के घर जाना था, ठीक है. मैंने कल स्ट्रीम पे बताया भी था, थोड़ा सा सामान लेके जाना था सावन के टाइम पे. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का थोड़ा सा प्लान है, एक दो घर देखने के लिए, प्रॉपर्टी देखने के लिए, ठीक है. प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कुछ अच्छा सा एक प्रॉपर्टी ले ली जाए. तो अभी फिलहाल हम लोग सब वहीं जा रहे हैं. पापा रेडी हो गए, हम मम्मी रेडी होगी, अपन भी एकदम रेडी हो गए हैं. तो चलते हैं इसी बात पे, बाकी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे सारा का सारा व्लॉग में. फिर दीदी के घर जाएंगे, आप मस्ती करेंगे, थोड़ी सी खाना पीना खाएंगे बढ़िया से एकदम. सो आज फाइनली व्लॉग आ रहा है, एंजॉय गाइस, आई सी यू गाइस इन द व्लॉग. नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया यार, रिक्शे वाले ने ठोक दिया. आगे गाड़ी दिखाओ, हेलो करके दिखाओ. पूरी गाड़ी का नुकसान हो गया भाई, मतलब बहुत पैसे लगेंगे इसमें. गेट में हम लोग यू टर्न ले रहे थे, ठीक है, साइड से रिक्शा लेके आए, जो थ्री होते हैं जो चलाते हैं वो शेयरिंग रिक्शा, पूरी स्पीड से उसने लेफ्ट, मतलब गाड़ी में देखे, गाड़ी में देखे मारा सीधा लेफ्ट. अब मैंने उसे कुछ नहीं बोला यार, क्या बोलूं उससे, क्या लड़ाई झगड़ा करना, क्या मारा अंदर घुसे गेट में. एक मिनट, एक मिनट, हमारे को गाड़ी का क्या हाल करा है, क्या रिक्शे वाले ने ऐसा ठोका गाड़ी को भाई, पूरी गाड़ी की बाबे ने कर दी इसने. यार ये गेट नहीं खुल रहा, इस गेट फंस गया, सारा मूड स्पॉइल हो गया यार, गाड़ी ठुक गई ना आज. पर ठीक है, अभी देखो ये प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट बन रहा है अभी यहाँ पर है, ठीक है. ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्या देख रहे हैं. लेकिन ये माइंड फक कर दिया यार इसने, गाड़ी जो ठुकी है ना, अब छोटा सा लड़का था यार, ज़्यादा 18-19 साल का होगा, ठीक है, मूछे भी ठीक से नहीं आई थी. अब मैं उतरा, अब मैं उसको मारूं भी क्या, क्या उससे लड़ाई करूं, क्या उसको मारूं. मैंने उसको पूछा, फिर मैंने तेरा हाथ वाते, उसका हाथ पकड़ रखा था, तो लगा हाथ ना टूट गया उस वाले का. और उसने हाथ दिखाया वगैरह, लग गई मेरे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, चल तू एक काम कर, तू जा, गाड़ी ठुक गई अब कुछ नहीं कह सकता तेरे को, कोई बात नहीं. क्या मैं तो भाई उससे पैसे भी क्या मांगे, मजदूरी कर रहा है, उससे क्या पैसे मांगू, ठीक है. ये दिन फ्रेम में ठीक रहा है, क्या क्या उससे पैसे मांगू यार, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई उससे क्या पैसे मांगे जाए. मैंने कहा भाई तू जा, कोई बात नहीं, अब हो गया नुकसान, तो क्या मारा पीटी करें, क्या तेरे से कुछ बोलें, कोई बात नहीं. मारा पीटी नहीं करी, मारा पीटी नहीं करी जाती यार लोगों से, कभी करते थे स्कूल टाइम में मारा पीटी खूब करी है, अब नहीं होती भाई. किसी को मारने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि यार छोड़ दो, कोई बात नहीं. आई थिंक फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग इज़ मच ईजियर, हाथापाई करो, अपने खुद लग जाए, खुद उसके लग जाए, सामने वाले के कोई फायदा नहीं. अभी कोई वैसे प्लान, देखो हमारा प्लान था बेसिकली कि बेबी ना नए घर में वो आए, वेलकम करें, बट अभी फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए, तो चीज़ें करी जाएंगी. आपको एक वॉशरूम हो जाएगा, ये 2+1 है, 2BHC, एक ये बाथरूम वॉशरूम हो जाएगा, किचन हो जाएगा. अच्छा, किचन, बालकनी, रूम, अटैच्ड वॉशरूम, 3BHK. अच्छा एक रूम, ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है. अच्छा ये रूम अभी कवर नहीं हुआ, सही रूम, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक वो हो गया ना, ये बालकनी होगी एक की, ये आपका ये किचन है, वॉशरूम है, ये किचन है ना, हाँ सिंगल रूम, ये कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, आगे कॉमन वॉशरूम हो जाएगा, कहाँ दिखा दूंगा. टू बी एच के यूनिट है, 3BHK सोल्ड आउट बेसिकली, और अगस्त के भैया कह रहे हैं मिड वीक तक 3BHK यूनिट भी अवेलेबल हो जाएगी, तो 3BHK देखा.
अभी चलते हैं दीदी के घर, निकलते हैं वहाँ बैठेंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, गाड़ी का देखते हैं, गाड़ी के लिए जाएंगे, देखते हैं ठीक कहाँ से करवाने। मैंने यार गलती कर दी, इंश्योरेंस नहीं करवाना था मेरा, ये था कि डेंट हो रखा है, गाड़ी का डेंट निकलवाऊंगा तो इंश्योरेंस करवा दूंगा, मुझे पता नहीं था कि बड़ा ही डेंट पड़ जाएगा। हाँ पड़ गया भाई, क्या कर सकते हैं, तगड़ा डेंट पड़ गया। पूरा बोनट उठा दिया भाई, गेट नहीं खुल रहा, बोनट उठ गया। हाँ वाह, बिना खोले बोनट खुल गया। चलो नारियल लेते हैं, काट तो वीडियो बनाओ फिर। ओह वेरी गुड, हमारी ट्रेनिंग स्टेटस के लिए मैसेज आया डॉम का। हाँ वो तो आज कम कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ले जाओ। कैसा लग रहा है गाड़ी नुकसान करवा के? कह रही अच्छा लग रहा है, कह रही अच्छा लग रहा है, इसी बहाने से ठीक हो जाएगी। भाई कितने पैसे दे रहे हो भी ठीक करवाने के? सारे दूंगी, सारे दूंगे, बकवास। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगी यार, तो कोई इशू नहीं है। भाई मैकेनिक के पास डाली गाड़ी पीछे, मैकेनिक को दे दी गाड़ी, अब कल शाम तक अगर ठीक हो जाएगी वरना परसों दिन में मिलेगी इसी ने। हाँ इसी बड़ी बाबा, आगे आगे से आप जाएंगे ना राइट मिल जाएगा। सामान वामान निकाल लिया है, घर की चाबी निकाल ली है, अब कैब करके घर जाएंगे। दो दिन तो लगेंगे, खर्चा बैठेगा 10,000, 10,000 का टोटल खर्चा बताया है, ठीक है। अब उसके खर्चे के बाद फिर इंश्योरेंस, अब यार गलती पता क्या हुई मेरे से, मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया टाइम से, मेरे को लग रहा था कि जो डेंट है ना पहले वो निकलवाऊंगा फिर इंश्योरेंस करवा लेंगे, मुझे क्या पता था साला ऐसा हो जाएगा। और यूपी में आप गाड़ी चलाते हो तो आपको इतनी टेंशन होती नहीं है ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक वाला पकड़ेगा तो भैया फ़ोन करवा दो, जान पहचान निकल जाती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो आपको इतना डर भी नहीं रहता कि बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चला रहे हो। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा, इसके बहाने सारी साफ़ हो जाएगी, गाड़ी सही हो जाएगी, कल शाम तक मिल जाएगी या परसों मिल जाएगी। पापा और मैं आ रखे थे, पसीने आ गए भाई, हालत ख़राब हो गई गर्मी के मारे, अब पैदल जाना पड़ रहा है दीदी के घर। चलो यह मेरी सिस्टर का घर, ठीक है, साई आशियाना, चार फैमिली देखो, चार बाहर, ये अंदर खुलता था, पहुँच गए, पहुँच गए। अभी हम लोग नमस्ते नमस्ते, मेरा हेलो, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। ये देख लो, ये देख लो बीमार पड़े हुए भाई, दीदी के घर आ गए, ठीक है, ये हो गए बीमार हमारे जीजा जी। आज ब्लॉग यही एंड करते हैं, ठीक है, विद नुकसान, घर देख के आगे नुकसान हो गया, थोड़ा खाना पीना खाएंगे। चलो सी यू गाइस, मेक श्योर टू द लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।